अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपने पिछले सबक को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उसको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तख्ती नंबर एक, मुफरदात। हुरूफ़ मुफरदात 29 है, 29 है। हुरूफ़ मुफरदात के 29 हरफों में से 7 हरूफ हमेशा पूर्व पढ़ी जाती है, जिसे हम और आप हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं। वो ये है, खा, साद, ज़ाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। ये हमेशा पुर पड़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزه يا يا। इसको कहते हैं حروف بترتيب। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये حروف بترتيب। पहले जो हम पीछे पढ़ के आए वो था حروف ترتيب से लिखा हुआ, الف के बाद با ता, सा। यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहले देखो इसमें ता, उसके बाद आ जाता है का, सा, सीन, शीन, साद, हा, हा, खा, काफ, जाल, जा, जाद, जा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। यह था हमारा सबक। बेतरतीब हरूफ, बेतरतीब है, इसको अच्छे से देखकर पहचान कर ले। चलिए आगे चलते हैं। मरकबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, जब मिले हुए हरूफ आएंगे तो ऐसा लिखा हुआ होगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि अलिफ की दो शक्ल, नीचे देखो ये जो दो शक्ल है जब मिलकर लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा। अलिफ की दो शक्ल है, बा की दो शक्ल है। इसे अच्छे से ध्यान से गौर से देख लो ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो कि ये बा है या ता है, क्या है। तो अच्छे से देख लीजिए, अलिफ की दो शक्ल, बा की दो शक्ल, ता की तीन शक्ल, जीम की एक शक्ल, दाल की एक शक्ल है, ऐन की दो शक्ल है, फा दो शक्ल, काफ की भी दो शक्ल, लाम की दो शक्ल, मीम की दो शक्ल, नून की दो शक्ल, हा की तीन शक्ल, हमज़ा की दो शक्ल, या की दो शक्ल।